रूस एक ऐसी रेल लाइन बनाने जा रहा है जिसे सामान का सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई पहुंचने में महज 10 दिन का समय लगेगा। अभी इसमें 30 से 45 दिन का समय लगता है। कहीं शताब्दियों से रूस की इकोनॉमी में यूरोप के साथ ट्रेड सबसे अहम था, लेकिन यूक्रेन युद्ध से इस स्थिति को बदल दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और भारत के साथ रूस का व्यापार कई गुना बढ़ गया है। यही वजह है कि रूस अब एक ऐसी रेल लाइन बनाने जा रहा है जिससे भारत और चीन तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि ये रेल लाइन आने वाले दिनों में स्वेज नहर से होने वाले ट्रेड को कड़ी टक्कर दे सकती है। जानिए पूरी बात क्या है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। इसके जवाब में रूस ने भी उन देशों के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाए हैं जो उसके साथ बिजनेस करने चाहते हैं। इनमें भारत, चीन और फारस की खाड़ी के देश शामिल हैं। रूस के नीति निर्माताओं ने अब इस सदर्न रूट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे अहम है 160 किलोमीटर सबसे लंबी रेल लाइन। $1.7 अरब की इस लाइन पर इसी समय काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे रूस सीधे ईरान के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा। इससे मुंबई तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। रूस ने इस प्रोजेक्ट के लिए ईरान को $1.4 अरब का लोन देने पर सहमति जताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में बाकू के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट रऊफ आगामी राजेव ने कहा है कि रूस के परंपरागत व्यापार के रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए उसे दूसरे विकल्पों की तरफ देखना पड़ रहा है। पश्चिमी पाबंदियों से पार पाने के लिए रूस कई तरीके अपना रहा है। मसलन मशीनरी भारत से मंगाई जा रही है, जबकि तुर्की और खाड़ी देशों से भी दूसरे तरह के सामान मंगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय सामान भी तीसरे देशों के जरिए रूस पहुँच रहे हैं। रूस की सरकार ईरान की रेलवे लाइन को काफी तवज्जो दे रही है। इससे आयात और निर्यात के लिए काफी अहम माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इस नए रूट के सामान को सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। अभी इसमें 30 से 45 दिन का समय लगता है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि ये क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है जो स्वेज नहर को टक्कर देगा। इससे भारत के साथ साथ चीन तक भी सामान की आवाजाही सुगम होगी। भारत और रूस का ट्रेड 2021 की तुलना में 4 गुना बढ़कर $65 अरब पहुंच चुका है। भारत और चीन के साथ रूस का ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ उसके ट्रेड से आगे निकल चुका है। रूस और यूरोपियन यूनियन के साथ 2021 में $262 अरब का ट्रेड हुआ था। भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चा तेल मंगा रहा है। नई रेल लाइन ईरान के दो शहरों अस्तारा और राश्त को जोड़ेगी। इससे ईरान उत्तर में अजरबैजान से जुड़ जाएगा और इस तरह रूसी रेलवे लाइन के ग्रिड तक इसकी पहुंच हो जाएगी। इस रेल लाइन के 2028 में पूरा होने की उम्मीद है। इस तरह ये पूरा स्ट्रेच 6920 किलोमीटर लंबा होगा। फारस की खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों के जरिए रूसी कारोबारियों की भारत तक आसान पहुंच होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।